रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्ने सुलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की खिदमत व अताअत से रिज़्क और उम्र में बरकत होती है। माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त क़यामत के दिन नजात का बायस बनेगा। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, पर बाप के बिना पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। घर में जितने मर्जी कमरे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा रश उस कमरे में होता है जिसमें माँ होती है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। दुनिया के हर हिस्से में माँ का चेहरा एक जैसा ही होता है, मोहब्बत और शफ़क़त भरा, औलाद के लिए फ़िक्रमंद। सारे रिश्तों को निभाकर देख लिया मैंने, माँ बाप के जैसा कोई अपना नहीं देखा। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं। माँ बेटी की वो पक्की सहेली होती है, जिसे हर बात बताए बगैर सुकून नहीं मिलता। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये तमाम मोहब्बतों की माँ होती है।